بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर एंड वी आर सॉल्विंग पीपीएससी टेस्ट 2017 ऑफ लेक्चर आर्ट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 17 में क्या कहा गया है? अ बॉडी ऑफ 4 केजी मैस फॉल्स फ्रीली, जिसका एक बॉडी है जिसका मैस 4 केजी है, मैस फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 एट अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी व्हेन इट हीट्स द ग्राउंड, जब वो बॉडी हीट करती है ग्राउंड को तो उसका मोमेंटम क्या होगा। तो सिंपली ये एफएससी, ये मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको सोल्व करना पड़ेगा। मोमेंटम पी इज़ इक्वल टू एम वी लेके चलिए इसको सोल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैस हमें 4 kg दिया गया है और एच इज इक्वल टू 4.9 है और हमने मोमेंटम के लिए पी लेते हैं। मोमेंटम हमने फाइंड करना है। मोमेंटम निकालने से पहले हमें फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। जी इज इक्वल टू 29.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एस मीन्स एच इज इक्वल टू 4.9। सिंपली वी हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। देन इसका मोमेंटम हमने निकाला एम मास इंटू वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी 9.8। व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो फाइनल वेलोसिटी हम यूज करेंगे 4 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 39.2 केजी पर मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम आ गया 39.2 केजी मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 39.2 विच इज सी ऑप्शन। पॉइंट टू बी नोटेड दैट, एक यहाँ पे पॉइंट है, आप नोट करें। इसके ऑप्शंस देखें क्या है, 39 यहाँ भी है, 39 यहाँ भी है, 39 यहाँ भी है, मतलब आफ्टर डेसिमल पॉइंट वैल्यू थोड़ा सा माइनर चेंज आया हुआ है। 39.6 है, 39.8 है, 39.2 है, तो कितने या उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है कि डेसिमल पॉइंट के बाद, जिस तरह हम अक्सर वैल्यू इग्नोर कर देते हैं या एक ऐड करके रिमेनिंग को हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ देखें हम 39, मतलब अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उतना टाइम भी नहीं होता कि आप बिल्कुल पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ जाएं, और अक्सर तो वो कैलकुलेटर की भी परमिशन नहीं देते, तो फिर आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 39.6 है, 8 है और 0.2 है, तो आप उसकी कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे तो विच इज एग्जैक्टली 39.2 आएगी। आप कंपैरिजन करके देख लें तो सी ऑप्शन इसका राइट बनता है, 39.2 केजी मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18 में कहा गया द स्केल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टू लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय, तो स्केल वेलोसिटी पहले पढ़ लेते हैं कि स्केल वेलोसिटी क्या होता है। स्केल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी दैट इज नीडेड टू मिनिमम वेलोसिटी दैट इज नीडेड टू लीव द प्लैनेट और मून। हम प्लैनेट और मून, स्केल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टू लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय, सो विच इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 2gr। स्केल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी टू लीव द प्लैनेट और द मून, सो स्केल वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू 2gr। क्वेश्चन नंबर 18, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आर दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, R इज द नॉर्मल रिएक्शन, F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन, R दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देन इनका जो कम्बिनेशन होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन का, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन का और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इन तीनों का जो कम्बिनेशन की जो क्या आपस में इनका क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है F इज इक्वल टू म्यू आर। सो बी ऑप्शन इज द राइट, F इज इक्वल टू म्यू आर, ये फार्मूला है, F इज इक्वल टू म्यू आर इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, बी इज द राइट, अदर ऑप्शन आर मीनिंगलेस, सो बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें। द पावर सेट पी ऑफ एक्स, पावर सेट को पी ऑफ एक्स से डिनोट करते ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज, पावर सेट नॉन एम्प्टी सेट एक्स है हमारे पास, उसका जो पावर सेट पे जो टोपोलॉजी डिफाइन होगी वो कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट होगी, लार्जेस्ट होगी, या वो टोपोलॉजी होगी नहीं, या नन ऑफ दीज ऑप्शन है। तो देखेंगे जो सेट नॉन एम्प्टी सेट एक्स पे जो हम टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे, सपोज दैट एक्स इज द नॉन एम्प्टी सेट एंड टा इज एनी टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन द सेट, सो जो पी एक्स पे जो टोपोलॉजी डिफाइंड होगी, फॉर एग्जाम्पल टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, सो जो टा होगा उसके जो पावर सेट क्या होता है कि ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट एक्स इज द पावर सेट, सो जो इसके सारे पावर सेट ले लें, इसके ऑल सबसेट ऑफ एक्स पे जो टोपोलॉजी डिफाइन होती है वो लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है, जिसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी कहते हैं, और ये लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी
डिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसमें सेट एक्स जो दिया गया, कोई भी सेट एक्स दिया गया उसके तमाम सबसेट्स का एक कलेक्शन लें विच इज़ पावर सेट ऑफ एक्स, एंड पावर सेट ऑफ एक्स पे भी पावर सेट ऑफ एक्स भी एक टोपोलॉजी फॉर्म करता है जिसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है डिफाइंड ऑन सेट एक्स, स्मॉलेस्ट नहीं हो सकती। स्मॉलेस्ट होती है जिसमें सिर्फ फाई और एक्स आ जाए, सेट सिंपल सेट इटसेल्फ आ जाए और सिंपल एक एम्प्टी सेट आ जाए तो वो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है विच इज आल्सो कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इनडिस्क्रीट नहीं होगी, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी और ये लार्जेस्ट टोपोलॉजी है। सो क्वेश्चन नंबर 20 बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें, 21 इफ टा वन एंड टा टू आर टू टोपोलॉजी ऑन एक्स, अगर मतलब मैंने कहा कि तमाम पावर सेट ले ले उस पर एक टोपोलॉजी डिफाइंड होती है विच इज डिस्क्रीट, उनकी कुछ सबसेट का कलेक्शन एक एक और नई टोपोलॉजी बनाए, उसके कुछ सबसेट का लहदा से एक लेके एक नई टोपोलॉजी बना लेंगे। अगर दो टोपोलॉजी अपने एक सेट पे दो टोपोलॉजीज अगर डिफाइन की हुई हैं, इफ टा वन एंड टा टू आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स सच दैट, वो इस तरह सी है कि जो वो टा वन वाली टोपोलॉजी है वो सबसेट है टा टू का, देन टा टू क्या होगी, फाइनर देन टा वन होगी या टा टू सबसेट होगी टा वन, यहाँ तो क्या फाइन है टा वन एंड टा टू, और जो टा वन सबसेट है टा टू का मतलब ये पूरी कंटेन करती है टा टू में, फिर हम टा वन को कहेंगे कि वो वीकर है देन टा टू, टा वन इज वीकर देन टा टू, वीकर भी कहते हैं और इसको कोर्सर भी कहते हैं और इसको स्मॉलर भी कहेंगे टा वन को, टा वन फिर हम क्या कहेंगे कि टा वन इज कॉल्ड, इसको हम फिर वीकर भी कहेंगे जो सबसेट बन रहा है अनदर टोपोलॉजी विच इज फाइनर, टा वन इज कॉल्ड वीकर भी कह सकते हैं इसको, स्मॉलर भी कहते हैं, वीकर स्मॉलर और कोर्सर, कोर्सर का वर्ड भी यूज किया जाता है, कोर्सर कोर्सर टोपोलॉजी देन टा टू, देन टा टू ठीक है। और जो टा टू होगी वो भी तो एक मतलब एक सबसेट होता है, एक उसका सुपरसेट होता है, तो टा टू को फिर एक क्या नाम देते हैं, टा टू को फिर हम कहते हैं कि वो फाइनर है, स्ट्रोंगर है, लार्जर है टोपोलॉजी देन टा वन, टा वन की निस्बत वो स्ट्रोंगर है, फाइनर है या फिर लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है ठीक है। फिर आप ऑप्शन देखें, टा टू इज सेट टू बी फाइनर देन टा वन ठीक है, टा टू जो है इसकी फाइनर टोपोलॉजी है देन टा वन, जो टा वन पूरा सबसेट है टा टू का, तो टा टू फिर कहेंगे कि वो स्ट्रोंगर है या फाइनर है देन टा वन, ए ऑप्शन इज द राइट। टा वन इज सेट टू बी कोर्सर देन टा टू, टा वन जो है वो कोर्सर भी है क्योंकि वीकर है या स्मॉलर है, इसको टा वन जो सबसेट बन रहा है टा टू का तो वो टा वन जो होती है वो कोर्सर भी होती है, तो इसका सी ऑप्शन भी फिर राइट हो जाएगा, टा वन इज सेट टू बी कोर्सर देन टा टू, नन ऑफ दीज नहीं आएगा इसके, ए एंड सी से राइट ऑप्शन है। अगर टा वन को वीकर है, स्मॉलर है, कोर्सर है देन टा टू, और टा टू फिर इसको क्या कहेंगे कि वो टा टू इज कॉल्ड स्ट्रोंगर, अगर टा वन वीकर है तो ये जिसका सबसेट है उसको कहेंगे कि वो स्ट्रोंगर है, लार्जर है, कोर्सर है तो ये फाइनर है जिसका ये सबसेट बन रहा है, टा टू को वो स्ट्रोंगर लार्जर फाइनर कहेंगे और टा वन को कहेंगे को वीकर स्मॉलर कोर्सर है, टा वन सबसेट है अगर टा टू का तो फिर ये टा वन वीकर स्मॉलर कोर्सर होगी, टा टू स्ट्रोंगर लार्जर एंड फाइनर होगी, तो ए एंड सी आर द राइट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखें, अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट, एक पॉइंट जो सबसेट से बिलोंग करता है उसे कहेंगे कि वो इंटीरियर पॉइंट है ऑफ ए इज सेट ए का, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू, अगर उस पॉइंट पे एक ओपन सेट भी एग्जिस्ट करता है वो इस तरह से, अगर वो ओपन इंटीरियर पॉइंट की हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक पॉइंट को हम कहेंगे कि वो इंटीरियर पॉइंट है अगर वो पॉइंट बिलोंग करता है ओपन सेट से और ओपन सेट खुद सबसेट है ए का, फिर हम कहेंगे कि ये एक्स पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट है सेट इस सेट ए का, फिर उसे हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे सेट ए का, ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है कि वो ओपन सेट से बिलोंग करे, वो ओपन सेट सबसेट हो ए का। तो वो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि जो ओपन सेट और सेट ए में कुछ भी कॉमन इंटरसेक्शन लें और उस पॉइंट को उसमें से निकाल दें, हालांकि यहाँ कहा गया कि वो सबसेट होता है ए का और यहाँ कह रहे हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन लें और इक्वल टू एम्प्टी आ जाए, तो ये तो ऑप्शन राइट नहीं बनेगा, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को ये फुलफिल नहीं करता। नेक्स्ट और बी ऑप्शन देखें, यहाँ कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एम्प्टी, हमने यहाँ कह रहे हैं कि सबसेट होना चाहिए, वो कह रहे हैं एम्प्टी होना चाहिए, कुछ भी मतलब कॉमन पॉइंट ना हो, तो ये तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया।
नेक्स्ट ये ऑप्शन देखें, वो कह रहे हैं कि यू सबसेट हो ए का, ठीक है यू सबसेट तो हो जाएगा, लेकिन वो फिर यहाँ एक थोड़ा सा ये भी पॉइंट ऐड करना चाहिए कि वो पॉइंट फिर सबसेट में बिलोंग करे और ये सबसेट सेट ए का कंटेन करे। अगर ये पॉइंट ना भी करें तो जो ओपन सेट जिसमें हम जिस पॉइंट को हम कह रहे हैं कि वो इंटीरियर पॉइंट है सेट ए का, फिर जो देर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू, वो एक ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो सबसेट होना चाहिए ए का। अगर इसको पॉइंट को ना भी शामिल करें तो ये तब भी ये कंडीशन सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि जो ओपन सेट होता है वो सबसेट होना चाहिए ए का। तो सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी डेंस इन एक्स इफ। अब ये भी डेफिनेशन है डेंस सेट की। डेंस सेट क्या होता है कि क्लियर फेज इक्वल टू एक्स हो जाए तो वो डेंस सेट में होता है। और एक और इसमें पॉइंट क्लियर क्या होता है, एक क्लियर क्या होता है कि ए का यूनियन लें आप उसके ड्राइव सेट के साथ विच इज इक्वल टू ए क्लियर, और ए क्लियर खुद स्पेस ग्राउंड सेट एक्स के ही अगर इक्वल आ जाता है तो उसे हम सेट ए को कहेंगे कि वो डेंस सेट है। इसके मैं एग्जांपल लूँ तो यूर टोपोलॉजी ले लें, यूर टोपोलॉजी लें जो रियल लाइन पे डिफाइन होती है। आप इसका देखें सबसेट लें रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स का जो रैशनल नंबर्स भी डेंस होती है सेट आर में, और सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स भी डेंस होते हैं सेट आर में। तो ये रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर डेंस इन आर है, ये मैंने एग्जांपल दी। और ये डेंस सेट मतलब इसका क्लियर लें सेट ऑफ एक्स के इक्वली आ जाइए। क्लियर क्या होता है ये सारा कुछ मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। रियल लाइन की तो या फिर लैडर से पॉइंट सेट टोपोलॉजी मैंने कंप्लीट करवाई है। इन रियल एनालिसिस भी मैंने पॉइंट सेट टोपोलॉजी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, उसमें डेंस सेट भी क्लियर करवाया हुआ है। और डेंस सेट की डेफिनेशन इसकी रिलेटेड एग्जांपल्स की वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी समझ आ जाएगी आपको उधर से। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ग्राफिकली थोड़ा सा आपको समझा पाऊँ कि मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक सबसेट है इसका ए, सबसेट ले लें और एक पॉइंट आप लें सबसेट ए से, उससे कहेंगे कि वो इसका इंटीरियर पॉइंट है। अगर एक ओपन सेट यहाँ यू ऐसा एग्जिस्ट कर जाए विच इज सबसेट ऑफ ए, तो फिर इस पॉइंट ए एक्स को कहेंगे कि वो इंटीरियर पॉइंट है सेट ए का, क्योंकि वो पूरा एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो इस पॉइंट पॉइंट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन सेट से, और ओपन सेट खुद सबसेट है ए का। देन ए एक्स पॉइंट इज कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट। सो जो ओपन सेट होगा उसको सबसेट बनना पड़ेगा ए का, तब वो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 24, अ पॉइंट एक्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का एक पॉइंट लें इस सेट टू बी द लिमिट पॉइंट, जो स्पेस जो पॉइंट है वो स्पेस से बिलोंग कर रहा है, उस पॉइंट को कहेंगे वो लिमिट पॉइंट है। ऑफ अ सबसेट ऑफ ए ऑफ एक्स इफ एवरी ओपन सेट यू, अगर हर ओपन सेट कंटेनिंग एक्स वी हैव, अगर ओपन सेट यू जो उस पॉइंट को कंटेन करता है, ये पूरी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन उन्होंने लिखी हुई है। वो क्या है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, पहले ग्राफिकली थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टोपोलॉजी है एक्सट्रा इज एन टोपोलॉजी और इसका एक सबसेट लिया ए, ठीक है, और इस सबसेट अब कह रहे हैं कि वो पॉइंट जो है वो स्पेस से बिलोंग करे, ठीक है, एक पॉइंट मैंने लिया स्पेस एक्स से बिलोंग कर रहा है, उस पॉइंट को कहूंगी कि वो लिमू लिया ओपन सेट यू लिया कि वो जो ओपन सेट है वो सेट पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है और कुछ पोर्शन ए के भी, मतलब कुछ पॉइंट्स ए के भी वो कंटेन अगर कर रहा है, देन एक्स को कहूंगी कि वो लिमिट पॉइंट है सेट ए का। ओपन सेट लिया, ओपन सेट उस पॉइंट को भी कंटेन करता है और कुछ पॉइंट एटलीस्ट वन पॉइंट भी अगर सेट सबसेट ए के पॉइंट को कंटेन करता है तो इस एक्स को कहूंगी कि वो लिमिट पॉइंट है सेट ए का, ठीक है। फिर मतलब कि वो जो ए का जो इंटरसेक्शन है विद ए विद ओपन सेट, ओपन सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, ये भी नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पॉइंट लिया एक्स और ओपन सेट, ये ओपन सेट कंटेन कर रहा है, ओपन सेट यू कंटेन कर रहा है, लेकिन वो सबसेट के किसी एक भी पॉइंट को अगर कंटेन नहीं करता तो फिर इस एक्स को नहीं कह सकते कि वो सबसेट ए का लिमिट पॉइंट है। वो कुछ ना कुछ एटलीस्ट वन पॉइंट भी अगर सबसेट क्या कंटेन करता है तो फिर वो एक्स जो होगा वो पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा और एक्स इटसेल्फ सेट ए से बाहर होगा, स्पेस से बिलोंग करता होगा, ठीक है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन और माइनस करना है अपने सेट एक्स को, वो जो पॉइंट जिसको आपने लिमिट पॉइंट लेना है खुद वो सेट इस ए और इंटरसेक्शन इन दोनों के जो कॉमन पॉइंट है, ये वाला कॉमन हिस्सा है, इस
स्पेस से इतने पोर्शन से ये पॉइंट बाहर होना चाहिए, माइनस एक्स होना चाहिए, विच इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी। कुछ ना कुछ इस ओपन सेट और सबसेट में कॉमन आना चाहिए, तभी वो जो ये पॉइंट एक्स है उसका लिमिट पॉइंट बन पाएगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। वो यहाँ उन्होंने कह दिया कि इंटरसेक्शन यू माइनस एक्स करें तो इक्वल टू एम्प्टी। एम्प्टी अगर यहाँ ये इस कंडीशन का क्या मतलब, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ए और ये जो ओपन सेट उसमें कॉमन हिस्सा लें और माइनस उस पॉइंट एक्स को निकालें तो इक्वल टू एम्प्टी सेट आए। मतलब इस यू ओपन सेट और इस सेट में कुछ भी कॉमन ना आए, अगर कुछ कॉमन नहीं आता वो तो फिर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये ए ऑप्शन तो हमारा राइट नहीं बनेगा फॉर लिमिट पॉइंट। ए इंटरसेक्शन यू कुछ भी कॉमन ना आए, यहाँ भी कह रहे इक्वल टू एम्प्टी सेट आए, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये भी लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट अगर सी ऑप्शन देखें, यहाँ कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन यू माइनस एक्स करें हैं और उस माइनस उस पॉइंट को निकाल के दोनों का जो कॉमन पॉइंट है नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, नॉट इक्वल टू एटलीस्ट वन पॉइंट भी अगर इस ओपन सेट सबसेट का अगर एटलीस्ट एक भी पॉइंट अगर ये यू कंटेन कर जाता है तो फिर ये यहाँ जो पॉइंट एक्स होगा उसको कहेंगे कि वो इसका लिमिट पॉइंट है। एक एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो ठीक है, नॉन इक्वल टू एम्प्टी एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट, नन ऑफ दिस में तो नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन 24 हो चुके हैं उसका, क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन इज द राइट। थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।